हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद पिंकी में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है जैन लज़ानिया। जैन लज़ानिया हमने आज बनाया है लेफ़्ट ओवर रोटी से। यस फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है रोटी लज़ानिया। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी ये बहुत आसान है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने में हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। उसके लिए एक पैन में हम लेंगे 2 छोटे चम्मच ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल या बटर में भी बना सकते हैं। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर लिया है बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, जुकीनी, कैप्सिकम। इन सबको हम कुछ सेकंड के लिए सोटे कर लेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हम इसे सिर्फ 10 या 15 सेकेंड के लिए ही सोटे करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। हमारी वेजिटेबल्स तैयार है, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। अब हम बनाते हैं रेड सॉस। रेड सॉस बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ऑरिगेनो। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी बनाने के लिए हमने लगभग 4 से 5 टमाटर लिए, उन्हें ब्लांच करके उसका छिलका हटाकर उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अभी हम ये टमाटर प्यूरी इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 6 से 7 बेजिल लीव्स। बेजिल लीव्स को हम हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को हम अच्छे से पकने देंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक। लगभग 4 से 5 मिनट हो गए, ये देखिए टमाटर हमारा एकदम अच्छे से पक गए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच टोमेटो केचप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा रेड सॉस तैयार है। अब हम बनाते हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में हम लेंगे लगभग 2 छोटे चम्मच जितना बटर। बटर या फिर आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। बटर जब हमारा गर्म हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच जितना मैदा और इसे हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। मैदा हमारा रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम लगभग 1 गिलास इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमें अच्छे से हिलाना है, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 2 चीज़ क्यूब या फिर आप चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चीज़ स्लाइस डाली है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है। हमारा वाइट सॉस तैयार है। अब हम लज़ानिया को असेंबल करेंगे। यहाँ पर हमने ये लेफ़्ट ओवर रोटी ली है। आप चाहें तो फ्रेश रोटी या फिर ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ स्लाइस लिए हैं, मोज़रेला चीज़, रेड सॉस, वाइट सॉस और वेजिटेबल्स। सबसे पहले एक पैन में हम नीचे थोड़ा सा घी लगाएंगे, उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे।
अभी हम सबसे पहले पैन में थोड़ा सा रेड सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अभी हम एक रोटी इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर हम अब थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स को भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अभी हम इसके ऊपर जो हमने व्हाइट सॉस बनाया था वो व्हाइट सॉस अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अभी हम इसके ऊपर रेड सॉस की लेयर लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अभी हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। मैंने यहाँ पर मोजरेला चीज़ और प्रोसेस चीज़ डाला है। आप कोई भी चीज़ या फिर चीज़ स्लाइस भी इस पर रख सकते हैं। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर फिर से एक रोटी रख देंगे। इसी तरह से हम फिर से रिपीट करेंगे और इसी तरह से 3 से 4 लेयर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सारी लेयर्स बना दी है। अभी हम सबसे टॉप पे थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे और थोड़ी सी चीज़ स्लाइस डाल देंगे। आप चाहें तो ग्रेट करके भी चीज़ डाल सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा ओरिगेनो भी डाल देंगे। अभी गैस पे रख देंगे और इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पे हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। चीज़ मेल्ट हो जाए उतना हमें बेक करना है। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए। ये देखिए चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमारा लज़ानिया तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म जैन रोटी लज़ानिया तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।